क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रात में काला चश्मा क्यों पहन रखा है? स्टाइल है। उतारो। नहीं नहीं। चश्मा उतारो। नहीं नहीं नहीं। No no no. No, Samit, take off your glasses. No means no. God, no, 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 no. I'll leave the steering. I'll leave the steering. I'll leave the steering. No means no. Behaving like a child. God. बस. रात में काला चश्मा वो लोग पहनते हैं जिन्हें स्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता। You're jealous because I'm looking handsome. काला चश्मा पहनो। पता नहीं कुछ दिखाई दे रहा है नहीं। रास्ते में कोई गड्ढा आ गया, कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो क्या करोगे? You know I have a backache. God knows तुम्हारे बैक में प्रॉब्लम क्यों है? 6 महीना 3 दिन हो गए, हमने कुछ किया तो है नहीं? सब तुम्हारी वजह से। Most unromantic person on the planet. अरे बेडरूम के अंदर क्या होता है? उसको रोमांस से क्या लेना देना? वो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में। हस्बैंड वाइफ्स आर बियॉन्ड रोमांस। हस्बैंड्स एंड वाइफ्स आर नॉट बियॉन्ड रोमांस। यू आर बियॉन्ड रोमांस। एंड योर सिली गेम्स। कभी तुम डॉक्टर और मैं नर्स। कभी तुम बिल क्लिंटन और मैं मोनिका लुविंस्की। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस गेम समिट। और इन गेम्स से मुझे कुछ नहीं होता है। और वैसे भी कुछ करने के लिए तुम्हें घर आना पड़ेगा ना? तुम घर कभी होते हो? लिसन, लास्ट संडे पे घर पे था, कुछ हुआ क्या? लास्ट संडे तुम्हें मालूम है कि मां आई थी? हां, एंड नेक्स्ट डे एसी खराब हो गया था। हां, किसकी वजह से? राजू इलेक्ट्रिशियन की वजह से। मुझे नहीं पता था कि माय सेक्स लाइफ विल डिपेंड ऑन सम राजू भाई। पता है डॉक्टर साहब बोल रहे थे ज्यादा दिन कुछ ना हो तो माइंड एंड बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऑफिस में दिन भर गंदे गंदे ख्याल आते रहते हैं। मैं किसी फीमेल कॉलेज से ठीक से फील नहीं पाता हूं। प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाता हूं कंफर्टेबली। बार-बार खड़े होने पड़ता है। आई टोल्ड यू ना चश्मा उतार के गाड़ी चलाओ। सॉरी। मुझे दिखाई नहीं दिया। कुछ दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। Honestly, Samit, you don't feel anything. You come late from work. फिर कहते हो कि ये नहीं होता है, sex नहीं होता है, romance. मेरे क्यों handicap सी? मेरे तो हाथ ही देखो, मेरे हाथ ही नहीं है। बगैर हाथ की गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपके भी नहीं है। Stop the child, Samit. अब accident हो जाएगा। ये कहीं से कहीं गाड़ी? अरे accident हुआ। Madness. Oh God. Miracle. What? I can see. What? A speed breaker. See? Are you going to walk over it or should I drive? I'm warning you, Samit. जब हम ऋषि और सिमी के घर जाएंगे, you have to behave yourself. For the last time. Yeah, for the last time. इस जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आदमी को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान आपके साथ कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेल रहा। नहीं नहीं, वो तो 2020 खेल रहा है। Idiot. ये लोग अपने आप को समझते क्या है? हा? किसी को भी फिल्म मेकर बना देंगे? हेलो, कुछ लोग फिल्म मेकर होते हैं, बाकी बन ही नहीं सकते। तुमको तो गुस्सा आता है अगर तुम्हारा हर स्टूडेंट मीरा नायर या शाम बेनेगल ना हो। Oh, come on, Simi, that's nonsense. तुम जानती हो, मैं काफी स्टूडेंट्स का काम अप्रिशिएट करता हूँ। Really? In fact, एक स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सबमिट की है। It's called, Why do men have nipples? What? No, seriously, I mean, why do men have nipples? देखो आ गए। Hello? डिनर पे जाने से पहले हम कुछ कुछ बताना चाहते हैं। क्या क्या क्या? तुम बताओगी? अरे बता भी दो। You're pregnant. Are you? How can she be pregnant? How can she be pregnant? Actually, समित और मैं अलग हो रहे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये तो सीरियस नहीं है। हम लोगों ने आपस में बात कर ली और हमको लगता है कि हमारे लिए ही ठीक है। एंड वी आर फाइन। आर यू सीरियस? काफी डिस्कस कर चुके हैं हम।
इज म्यूचुअल. क्या कह रहे हो समित? या हम डिनर पे चलते हैं ना, बाहर बात कर लेंगे. डिनर पे क्यों बात करेंगे, हम घर पे बैठ के बात करेंगे. ये सब डिसाइड कब किया? काफी दिनों से चल रहा है, वुडंट यू से? और हमारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ, यू नो. हम यू कैन सी, यू नो, वी आर फाइन. वी आर फाइन. या वी आर फाइन. वी आर फाइन. वी आर फाइन. वी आर फाइन मतलब क्या? रीजन क्या है? तुम लोग अलग कैसे हो सकते हो? तुम लोग तो हमारे लिए समित मीता हो, यू नो, समित मीता. नो, वी आर स्टिल समित मीता. आई एम समित सी. ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, रियली. मैं कभी ऐसे सोच भी नहीं सकती. इट्स शॉकिंग. आई मीन, यू आर सो गुड टुगेदर. शी इज राइट. हैंग ऑन, तुम दोनों को कोई और मिल गया क्या? No. No. Rishi. No. No. That's none of our business. अरे मैं इंटरेस्टेड हूँ. I want to know. You know, I'm feeling a little sick actually. Listen, we are not spoiling anything. हम सिर्फ अलग रहकर देखना चाहते हैं. देख रहे हैं. इतनी मुश्किल से ये डिसीजन लिया है. ये मत कहना कि तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे. पागलपन है. Just watch. कल तक सब ठीक हो जाएगा. नहीं, हमने तो अलग जगह भी देखना शुरू कर दी है. She is staying at the same place and I'm moving out. मेरी तबीयत बिगड़ रही है. Come on, Simi. सच में मीता, चलो ना खाने के लिए चलते हैं. क्या मतलब खाने के लिए चलते हैं? How can you think about dinner at a time like this? नाराज मत हो. मैं नाराज नहीं हूँ. मुझे पता था ये होगा. तुम्हें तो सब कुछ पता है. तुम लोग इतना casually कैसे बोल सकते हो कि तुम दोनों अलग हो रहे हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. I mean, तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो and suddenly out of the blue, this is not our business, huh? क्यों नहीं? ये हमारे सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं. लेकिन हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर कपल्स अलग होते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं व्हिच बिकम्स. सर प्लीज जस्ट डोंट गिव मी एनी ऑफ दिस नॉनसेंस. एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, सब इतने क्लोज थे. प्लीज, मुझे तो ये लगता था. ये इतनी अपसेट क्यों हो रही? शी केयर्स अबाउट अस. आई आल्सो केयर अबाउट यू. सिमी लुक, वी आर फाइन. हम ये सब करना चाहते थे. अरे यार सिमी, तुम ये सब इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो? मैं अपसेट हूं. सिमी, मैं मैरिज काउंसलर से भी बात कर चुकी हूँ. कब बात करी तुमने? वो मैरिज काउंसलर से भी बात कर चुकी है. अब ये मैरिज काउंसलर से भी बात कर चुके हैं. मैरिज काउंसलर? बात यहाँ तक पहुँच गई. No one even bothered to tell me. Thank you. सिमी, अरे ये ऋषि, listen यार. Please. नहीं यार, बहुत. इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ प्लीज. चलो ना खाने के लिए चलते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं. सिमी कम ऑन. मुझे पता था तुम्हारे घर में आऊंगा, यही होगा. यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर हर. यू शुड, शी मस्ट लिसन टू यू कम से कम. मीता ने कभी सेपरेशन के बारे में कभी कुछ बताया तुम्हें? आई मीन कोई हिंट एंड ऑल? वेल, अगर मैं अब याद करने की कोशिश करूं तो हाँ, मीता ने ऐसा कुछ कभी ना कभी जरूर कहा होगा अकेले रहने के बारे में. मगर समित के बारे में कभी कुछ नेगेटिव तो नहीं कहा, एज़ फार एज़ आई कैन रिमेम्बर. अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ. मैं हूँ सिमी शर्मा. मेरे हस्बैंड का नाम है ऋषि. हम दोनों की शादी को 4 साल हो चुके हैं. वी डोंट हैव एनी किड्स येट. मैं एक मैगज़ीन के लिए काम करती हूँ. शादी के पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था. हम शादी करने वाले थे मगर हुई नहीं, और उसमें किसी की गलती नहीं थी. मीता ने बताया कि उस रात वो लोग डिनर पर गए तो थे, पर एटमॉस्फेयर काफ़ी टेंस था. प्लीज You know, Samit, एक नया रेस्टोरेंट खुला है. चाइनीज? Yeah. तो तुम Please, I can manage. ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है. To show that you care, I know that you don't. अरे मीता, तुम क्या हुआ? हाँ, अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस हो रहे हो? Is that it? You want to maintain your goody-goody image? Of course. No, समित तो परफेक्ट है. सारी खराबियां, सारी बुराइयां सिर्फ मुझ में है, राइट? ये तो भी डिस्कस किया था कि हम लोग वी आर गोइंग टू बिहेव प्रॉपर्ली. वी आर फाइन ना? वी आर नॉट फाइन. यू आर फाइन. सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए मेरे साथ थे ना इतने दिन? जहां तक तुम पहुंचे हो आज समित, सब मेरी वजह से है. सारे सैक्रिफाइसेस जो मैंने करे हैं. तुमने क्या किया है? वी आर फाइन. खरा के क्या कहता है? खाने में क्या बना है? ये सब क्या है? ये तो मुझे नहीं चाहिए. मेरे हाका नूडल्स कहाँ है? You are so lazy, Samit, and so untidy. ये अपना कबर्ड भी साफ नहीं रख सकता. Do you know that? What I've been doing with you all these years? अपने कपड़े ये क्या पहन रखा है? What do you think of yourself? You think you're a superstar? नहीं. Don't touch me, Samit.
यू नो, मुझे एक बार भी ये फील नहीं हुआ दैट यू केयर, दैट यू नीड मी. और होता भी क्यों? मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? बोल दो ना सबके सामने, मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? आई एम योर हाउसमेट, दैट्स इट. तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हो. कभी कभी मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला है? हाँ, have you said anything nice about me? अब बोल सकते हो अपने फ्रेंड्स के सामने? ट्राई करो ना, बोलो. लेकिन नहीं. Can you look at me when I'm talking to you, Samit? Please. I'm wasting my time with you. God. Waiter. 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 Amazing. हमें लगता है कि हम अपने दोस्तों को जानते हैं, लेकिन असल में हमें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं. क्या तुम भी मुझसे कुछ छुपाते हो? क्या मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट देम, नॉट अस. मैं क्या छुपाऊंगा? पता नहीं, सम हिडन फीलिंग और डिजायर, सम फैंटेसी यू माइट बी हैविंग, आई डोंट नो. नो नो, नथिंग. क्या तुम छुपाती हो? नहीं, शायद कभी कभी. हाँ, शायद कभी कभी मतलब? पता नहीं, तुम बहुत क्रिटिकल हो, यू नो. नहीं नहीं, बोलो सिमी. छोड़ो ना, हम पहले भी इस बात पे झगड़ चुके हैं. चलो सो जाते हैं, कल बात करेंगे. आई एम सॉरी, आई एम फाइन. पर समित ने जरूर तुम्हें कुछ बताया होगा, तुम तो रोज मिलते हो. अरे हाँ, एक इंसिडेंट तो बताया था.